Hello my dear friends and my dear students. Today we are going to learn about our kith and kin. Kith and kin का मतलब होता है family members and relatives. हमारे परिवार वर्ग और परिवार के सदस्य और संबंधी के बारे में आज हम जानेंगे vocabulary का पार्ट में. ये ज़्यादातर words हम लोगों को पता है, जैसे कि father, mother, son, daughter, etc. लेकिन बहुत सारे words ज़्यादातर लोगों को पता नहीं रहता. इसके लिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप एंड तक देखिए. सबसे पहले मैं इसको सीरियली मतलब अल्फाबेटिकली रखा हूं ताकि आप लोगों को आसानी से याद रह सके. अल्फाबेटिकली मतलब आपको पता चलेगा कि हाँ, ए में इतना वर्ड है, बी में इतना वर्ड है, वैसे आप याद रख के वो लेटर वाइज आपको अच्छे से याद रह जाएगा. उसके वजह से मैंने अल्फाबेटिकली सजाया है. तो नंबर वन में आता है अडॉप्टेड सन, मतलब गोद लिया बेटा. जिस बेटे को अगर कोई गोद लेता है, मतलब किसी एक पेरेंट से उसको ले लेता है और पालता है, उस बेटे को, उस बच्चे को हम बोलते हैं गोद लिया बेटा. वैसे अडॉप्टेड डॉटर का मतलब होता है गोद लिया बेटी, मतलब वो उसी तरह अगर कोई बेटी को कोई गोद लेता है, पालता है, उसको बोल उसी लड़की को या बच्ची को बोलते हैं गोद लिया बेटी. अनसिस्टर पूर्वज, हमारे जो पूर्व पुरुष उनको बोलते हैं अनसिस्टर. अब फिर उसको फोर फादर भी बोल सकते हैं. बैरन मतलब बंध्या. बंध्या का अर्थ होता है कोई कुछ एक एक औरत को उनको बच्चा नहीं होता, उन लोगों को हम बंध्या बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं बैरन. बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट न्यू वर्ड है ना. बेनेडिक्ट का मतलब होता है न्यूली मैरिड या फिर नवविवाहित. बॉर्डर मतलब आवासी. आवासी का मतलब कोई दूसरे जगह से अगर कोई आके रह रहा हो, उनको आवासी बोला जाता है और उनको हम बोलते हैं बॉर्डर. ब्राइड आप लोगों को पता है दुल्हन. ब्राइड ग्रूम दुल्हा. ब्रदर भाई. चाइल्ड बच्चा या संतान. कमरेड साथी या फिर मित्र. कंकीबाइन उपपत्नी. कंकीबाइन उपपत्नी किसको बोला जाता है, अगर कोई आदमी का पत्नी है और एक पत्नी और एक लेडी को वो रख रहा है तो उसको बोलते हैं उपपत्नी या कंकीबाइन इंग्लिश में. कपल मतलब दंपत्ति. डॉटर बेटी या पुत्री. एल्डर ब्रदर बड़े भाई. एल्डर फादर बड़े पापा. एल्डर मदर बड़ी माँ. बड़े पापा बड़ी माँ मतलब पापा या माँ से जो बड़े हैं उनको हम बड़े पापा या बड़ी माँ बोलते हैं. एल्डर सिस्टर बड़ी बहन. फादर पिता. फोस्टर चाइल्ड पालित संतान. फोस्टर फादर पालक या पोषक पिता. फोस्टर मदर पालक या पोषक माता. ये फोस्टर फादर मदर सन डॉटर ऐसे ये क्या होता है, मतलब कोई एक पेरेंट से कोई दंपत्ति से एक बच्चा को अगर कोई दूसरा आदमी लेके पाल रहा है, बड़ा कर रहा है, तो उस बच्चे को हम बोलेंगे फोस्टर चाइल्ड, फोस्टर सन या फोस्टर डॉटर, और वो माता पिता को फोस्टर फादर या फोस्टर मदर हम बोल सकते हैं, बोलते हैं. नेक्स्ट आता है ग्रैंड डॉटर पोत्री या फिर पोती. ग्रैंड डॉटर. ग्रैंड फादर दादा या दादाजी. ग्रैंड मदर दादी माँ. ग्रैंड सन पोत्र या फिर पोता. ग्रेट ग्रैंड फादर परदादा. ग्रेट ग्रैंड फादर मतलब दादा के पापा परदादा. ग्रेट ग्रैंड मदर परदादी मतलब दादा की माँ, दादाजी की माँ. ग्रेट ग्रैंड सन परपोता मतलब पोता का पोता, पोता का बेटा सॉरी. ग्रेट ग्रैंड डॉटर मतलब परपोती. गेस्ट अतिथि हम लोगों को पता है. हेयर, हेयर का मतलब वारिस या फिर उत्तराधिकारी. जैसे कि एक पीढ़ी से एक पापा का उसका बेटा उसका उत्तराधिकारी है. उत्तराधिकारी कोई मरने के बाद जो जमीन जायदाद का जो मालिक बनने वाला है उसको बोलते हैं उत्तराधिकारी, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हेयर. हस्बैंड पति या स्वामी सबको पता है. किन्समैन स्वजन, जो अपने होते हैं उन लोगों को स्वजन बोला जाता है और उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे किन्समैन. मैटरनल एंट. एंट तो हम लोगों को पता है, ये मैटरनल आंट क्या होता है. मैटरनल मतलब माता के तरफ से, माँ के तरफ से. मैटरनल आंट का मतलब होता है मामी, माँ की भाभी या फिर
माँ की बहन मौसी, मैटरनल अंकल माँ का भाई मतलब मामा, या फिर माँ का क्या बोलते हैं, माँ का बहनों ही, या फिर मामी सॉरी मौसी का पति, उनको बोलते हैं हम मौसा। मैटरनल ग्रैंडफादर क्या होता है, नाना मतलब माँ का पापा। मैटरनल ग्रैंडमदर का मतलब होता है नानी, माँ की माँ। मदर माँ। नेफ्यू, नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा या फिर भांजा। भतीजा भांजा मतलब हमारे भाई का बेटा या फिर बहन का बेटा, उसको हम बोलते हैं नेफ्यू, याद रखना। नीस का मतलब भतीजी या फिर भांजी, भतीजी भाई की बेटी या फिर बहन की बेटी, उसको हम बोलते हैं नीस। इंग्लिश में एक ही की वर्ड है, हम हिंदी में तो दो दो, भतीजी एक है भांजी एक है, लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड है। अरफान, अरफान का मतलब होता है अनाथ, जिस बच्चे का कोई माँ बाप नहीं होते उन लोगों को बोला जाता है अरफान। पारामोर मतलब प्रेमिका, उसको हम इंग्लिश में बिलव्ड भी बोलते हैं, दो वर्ड होता है। पेरेंट्स माता पिता, माता पिता दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं पेरेंट्स, और उसका सिंगल भी वर्ड होता है पेरेंट, माता या फिर पिता दोनों को समझाया जाता है। पोस्टेरिटी मतलब वंश, पोस्टेरिटी हमारा जो वंश होता है उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पोस्टेरिटी। पैटर्नल अंकल, जैसे मैटरनल था वैसे पैटर्नल, पैटर्नल मतलब फादर की तरफ से बोलते हैं चाचा, पापा के जो बहनों ही होते हैं उनको बोलते हैं फूफा, या फिर हमारे जो बुआ का हस्बैंड फूफा। उसी तरह पैटर्नल आंट को हम बोलते हैं बुआ, पैटर्नल आंट बुआ, पापा की बहन, या फिर जो हमारा चाचा की बीबी चाची, ये दोनों को इंग्लिश में बोलते हैं पैटर्नल आंट। रिलेटिव्स का मतलब होता है संबंधी, हमारे जो जितने सारे संबंधी होते हैं फैमिली मेंबर्स को छोड़ के जो हमारे संबंधी होते हैं सारे हमको हम बोलते हैं रिलेटिव्स। सर्वेंट का मतलब होता है सेवक या फिर नौकर। सिस्टर बहन, सन बेटा या पुत्र। स्टेप ब्रदर, अभी स्टेप एक वर्ड यूज किया जा रहा है, स्टेप का मतलब होता है सौतेला या फिर सौतेली, आप लोगों को समझना है उसके साथ जो वर्ड जुड़ा हुआ है वैसा होगा। जैसे कि स्टेप ब्रदर सौतेला भाई मतलब क्या है, जैसे कि एक कपल वाइफ हस्बैंड उनका एक बेटा है या फिर बेटी है, वही वाइफ हस्बैंड से किसी का डेथ हो गया या फिर जिंदा है और वो एक दूसरा शादी किए, जैसे कि उनका पापा और एक लेडी को शादी किए, उनसे जो बच्चा होगा वो पहला वाला बीवी का जो बच्चों का वो होगा स्टेप ब्रदर या फिर स्टेप सिस्टर, और उन वो जो सेकेंड बच्चे का ये जो और एक माँ आएगी वो होगी स्टेप मदर, अगर माँ और एक आदमी को शादी किया वो हो जाएगा स्टेप फादर। वैसे स्टेप ब्रदर मतलब सौतेला भाई, स्टेप डॉटर का मतलब सौतेली बेटी, स्टेप फादर का मतलब सौतेला बाप, स्टेप सिस्टर सौतेली बहन, स्टेप मदर सौतेली माँ, स्टेप सन सौतेली बेटा, सौतेला बेटा आई एम सॉरी। शायद आप लोगों को ने समझ गए होंगे सौतेला क्या होता है, मतलब खुद का नहीं होता। पेरेंट्स ये माँ और ये बाप, बाप अगर दूसरी माँ लाई तो उनसे जो बच्चा होगा ये पहला वाला बच्चों का वो स्टेप हो जाएगा, और ये मदर स्टेप मदर बन जाएगी, या फिर मदर अगर दूसरा हस्बैंड अपनाई तो वो हस्बैंड बाकी जो बच्चों का ये स्टेप फादर हो जाएगा, और उनसे जो पैदे हुए बच्चे वो स्टेप हो जाएंगे स्टेप। ट्विन ब्रदर जुड़वा भाई, ट्विन सिस्टर जुड़वा बहन, ये तो आप लोगों को पता है एक साथ जो बच्चे पैदा होते हैं तो वो ट्विन सिस्टर या ट्विन ब्रदर बोला जाता है। विडो विधवा या फिर बेवा बोलते हैं, जिस जो औरत का उनका हस्बैंड मर जाते हैं उनको, या फिर उनका हस्बैंड नहीं रहते वो लेडी को हम बोलते हैं विडो। वैसे विडोयर मतलब विधुर बोलते हैं उसको, विडोयर मतलब जिसकी बीवी गुजर जाती है उसको बोलते हैं विडोयर। वाइफ आज का आखिर वर्ड, जो कि वाइफ का मतलब होता है बीवी पत्नी या फिर स्त्री।
इसके बाद वाली वीडियो में मैं इन लॉज के बारे में बताने जा रहा हूँ। इन लॉज मतलब समझा दूंगा, नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे इन लॉज को कैसे कैसे बताया जाता है और सिंगुलर प्लूरल में कैसे बताया जाता है वो मैं बताने वाला हूँ। आज की वीडियो लंबी हो जाएगी, मुझे लंबी वीडियोज़ पसंद नहीं और किसी को भी देखना पसंद नहीं रहता। तो मेरे ख्याल से आज के कंटेंट में जो मैं आप लोगों को वर्ड्स दिया उसमें से बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप लोगों को मिले होंगे, तो मुझे आप थैंक्स बोले या ना बोले लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।